धार जिले के बाग में ग्राम पंचायत पाड़ल्या में विगत दिवस अज्ञात कारणों के चलते खेत में पड़ी गेहूं और सोयाबीन की फसल में आग लग गई, जिससे फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई। इस घटना में किसान का भारी नुकसान भी हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पाड़ल्या के रघु सिंह जयराम पिता जाम सिंह के खेत में गेहूं और सोयाबीन की फसल पड़ी थी, जिसमें अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। धीरे धीरे आग ने रौद्र रूप ले लिया और पूरी फसल को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ देर में फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई। आग लगने की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं सूचना के बाद नायब तहसीलदार जागर सिंह रावत और सरपंच जाम सिंह बघेल भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद नायब तहसीलदार मौके का निरीक्षण किया। नायब तहसीलदार ने कहा कि फिलहाल जली हुई फसलों का आकलन नहीं हो पाया है, नुकसान का आकलन कर जल्द ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरपंच जाम सिंह बघेल ने बताया कि जिस समय आग लगने की घटना हुई उस समय खेत मालिक दोनों भाई घर पर नहीं थे, केवल महिला अकेली थी, जिसके शोर मचाने के बाद ग्रामीण भी एकत्रित हो गए थे और आग को फैलने से रोकने में ग्रामीणों ने भी काफी सहयोग किया। पढ़ला कलूनी तो पोस्ट होगा तारा लो।